राजेंद्र गुड्डा की बेटी को आप जवाब देना। एक सांप है तो दूसरा सांप राज है। ये संदीप सैनी कांग्रेस का प्रत्याशी है, अशोक गहलोत का आदमी है, आपको वोट देना है, मत देना है। आपके समाज का इससे बड़ा नेता से पहले भी नहीं हुआ और आगे भी मेरे को नहीं लगता कोई नेता होगा। आप है तो दूसरा सांप राज है। शुभकर्ण चौधरी ने जब राज किया तो उसने उदयपुर वाटी का विकास नहीं, उसको पीछे धकेलने का काम किया। यही हाल राजेंद्र सिंह गुड्डा का है, जो आपके सिरमौर, मैं ये नहीं कहता वो राजस्थान के नेता है, पर देश के सर्वमान्य नेता जिनको अमेरिका ने सम्मानित किया था परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब के लिए, उस आदमी ने आपके समाज को ललकारा है, अशोक गहलोत साहब को ललकारा है। मैं कहता हूँ यदि तुम माड़ी हो तो इस बार उदयपुर वाटी की दशा और दिशा चेंज कर देना। आपके समाज का इससे बड़ा नेता से पहले भी नहीं हुआ और आगे भी मेरे को नहीं लगता कोई नेता होगा। आपके देखते और आपके जीते हुए जिस आदमी ने अशोक गहलोत को बदनाम किया है, अशोक गहलोत के लिए आप सब कहे हैं, मैं कहता हूँ बाप ही बाप नहीं। कल परसों मेरे को उदयपुर वाटी में कह रहे थे कि उसकी बेटी भी अशोक गहलोत को ललकार रही है, तो मैं मेरी इन बहनों को, मेरी माताओं को कहना चाहती हूँ कि आप भी उसके बेटी को जवाब देना। जहां से रोड से गुजरे चाहे उसके घर जाके आपको जवाब देना पड़े, राजेंद्र गुड्डा की बेटी को आप जवाब देना। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को कहता हूँ कि अब सामना नीचे गुद्दी करके और चलने का नहीं है, अब सामना आपको आमने सामने करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा आपके हक और अधिकारों के लिए। नहीं, ये युवा साथी आज मेरे सामने यो पीछे खड़े हैं, कल ये मिलेंगे नहीं यदि आप लोगों ने इस चीज का दिशा और दिशा नहीं चेंज की। तो 44 पंचायतें और 2 नगर पालिकाओं में भी यही हाल है। आपके समाज का कोई अधिकारी नहीं है यहाँ, आपके समाज का, आपके पड़ोस का एक अधिकारी था जिसको सस्पेंड करके खंडेला में लगा दिया। मैं ये कहता हूँ पहले समाज का आदमी है, उसके बाद में रिश्ते नाते। मैं ये भी नहीं कहता आपको कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपने समय पे मत का प्रयोग किया, पर इस बार जो मत का प्रयोग आप लोगों को करना है वो मत का प्रयोग उदयपुर वाटी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उदयपुर वाटी के इन युवाओं के भविष्य के लिए आपको मत का प्रयोग करना है। जब तक इस जंगल राज का खात्मा नहीं होगा तब तक आपके घर और परिवार की दशा और दिशा चेंज नहीं होगी। आज फिर मैं राजीवपुरा में कह के जा रहा हूँ, चुनाव के बीच में मुझे मध्य मौका मिला तो आपके बीच में जरूर आऊंगा, और जब मुझे याद करोगे तो भी आपके बीच में आएगा ये संदीप सैनी। पर मैं आज आपको आश्वस्त करके जाता हूँ कि पानी की जो समस्या है आपको जल्दी ही उसका निराकरण होगा। आपके बराबर की खेतरी की तहसील है जहाँ हर घर में पानी है। इन डाकुओं ने जो पाइपलाइन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा आई थी उनका भंडारा कर लिया, अपने फार्म हाउसों पे अपने निजी कार्यों के लिए उन पाइपों का उपयोग कर लिया। आप में हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने बोल के उन पाइपलाइनों को आप अपने क्षेत्र में लगवा सको, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके लिए ताकत, आपके लिए संघर्ष का भाई सबके साथ है। जब तक आप ताकत में नहीं आओगे, जब तक आप लोग ताकत में नहीं आओगे तब तक आपके हक और अधिकारों की रक्षा करने कोई नहीं आएगा। यदि इस बार उदयपुर वाटी की दशा और दिशा आप लोगों ने नहीं चेंज की तो ये भूल जाना। मैं आज कह रहा हूँ आपके इस धरा और धरती पे शहीद मणिराम की पुण्य जगह कह रहा हूँ, इस बार यदि आपने अपने समाज का एमएलए नहीं बनाया तो सदना किसका कभी उदयपुर वाटी में एमएलए बनेगा, यह आप लोगों को तय करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके लोगों के ऊपर केस दर्ज कराए जाते हैं, एसटी पे जो आदमी मेघवाल समाज से आता है, जो मीणा समाज से आता है, जो गुजर समाज से आता है, उनके ऊपर यदि या तो उसकी बात मान लो नहीं, मुकदमे लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। क्यों? आपकी चुप्पी और आपकी नीचे गुर्दी करने का कारण है ये। आप अपने आदमियों के लिए लड़ते नहीं हो, चाहे वो मीणा समाज का हो चाहे मेघवाल समाज का हो, उनके लिए आप लड़ते नहीं हो, उनके लिए कहते नहीं हो। वही हाल आपके माड़ियों के साथ है। दो भाइयों में फूट डाल के एक भाई को कांख में लेना और दूसरे के साथ अत्याचार करना, ये सहते रहोगे तो न तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, न इन माताओं बहनों के लिए पानी आएगा। तब तक ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक ये आपको करना पड़ेगा। कह के जा रहा हूँ चुनाव के बीच में मुझे मध्य मौका मिला तो आपके बीच में जरूर आऊंगा, और जब मुझे याद करोगे तो भी आपके बीच में आएगा ये संदीप सैनी। पर मैं आज आपको आश्वस्त करके जाता हूँ कि पानी की जो समस्या है आपको जल्दी ही उसका निराकरण होगा। आपके बराबर की खेतरी की तहसील है जहाँ हर घर में पानी है। इन डाकुओं ने जो पाइपलाइन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा आई थी उनका भंडारा कर लिया, अपने फार्म हाउसों पे अपने निजी कार्यों के लिए उन पाइपों का उपयोग कर लिया। आप में हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने बोल के उन पाइपलाइनों को आप अपने क्षेत्र में लगवा सको, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके लिए ताकत, आपके लिए संघर्ष का भाई सबके साथ है।
जब तक आप ताकत में नहीं आओगे, जब तक आप लोग ताकत में नहीं आओगे तब तक आपके हक और अधिकारों की रक्षा करने कोई नहीं आएगा। यदि इस बार उदयपुर वाटी की दशा और दिशा आप लोगों ने नहीं चेंज की तो ये भूल जाना। मैं आज कह रहा हूँ आपके इस धरा और धरती पे शहीद मणिराम की पुण्य जगह कह रहा हूँ, इस बार यदि आपने अपने समाज का एमएलए नहीं बनाया तो सदना किसका कभी उदयपुर वाटी में एमएलए बनेगा। ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके लोगों के ऊपर केस दर्ज कराए जाते हैं, एसटी पे जो आदमी मेघवाल समाज से आता है, जो मीणा समाज से आता है, जो गुजर समाज से आता है, उनके ऊपर यदि या तो उसकी बात मान लो नहीं, मुकदमे लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। क्यों? आपकी चुप्पी और आपकी नीचे गुर्दी करने का कारण है ये। आप अपने आदमियों के लिए लड़ते नहीं हो, चाहे वो मीणा समाज का हो चाहे मेघवाल समाज का हो, उनके लिए आप लड़ते नहीं हो, उनके लिए कहते नहीं हो। वही हाल आपके माड़ियों के साथ है। दो भाइयों में फूट डाल के एक भाई को कांख में लेना और दूसरे के साथ अत्याचार करना, ये सहते रहोगे तो न तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, न इन माताओं बहनों के लिए पानी आएगा। तब तक ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक ये आपको करना पड़ेगा।